नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनाधार से घबराई भाजपा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है प्रताड़ित। इस आशय का आरोप लगाया धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेता रंजन गुप्ता ने। आम आदमी पार्टी के बढ़ते जनाधार से घबराई भाजपा, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है प्रताड़ित। इस आशय का आरोप लगाया कमिश्नर ऑफिस के सामने धरने स्थल पर बैठे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रंजन गुप्ता ने। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की जनाधार बढ़ रहा है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और वह अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं को प्रताड़ित कर रही है। धरना पर बैठे आम आदमी पार्टी के नेता विजय मिश्रा व रंजन गुप्ता ने आरोप लगाते हुए बताया कि विद्युत विभाग द्वारा लगातार मनमानी की जा रही है और लूट खसोट किया जा रहा है। वहीं अगर FIR कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए तो बहुत बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी की कोई डेट नहीं है, 26/4/2018 में इन्होंने मेरे कहीं किसी आवास में या कहीं पर भी इन्होंने छापा मारा था, जिसके वजह से इन्होंने चोरी का मुकदमा दर्ज किया। उस चोरी का मुकदमा दर्ज करने के बाद उस आधार पर मेरे को 72,696 रुपए की नोटिस, 72,696 रुपए की नोटिस भेजने के बाद आप ये देखिए लगभग 30 दिन में 72,696 की नोटिस 1,46,626 रुपए की बन जाती है। मतलब 15 दिन के अंदर विद्युत मंडल कौन से कार्रवाई कर रहा, कौन सा ब्याज लगा रहा, कौन से इनके अंदर ऐसा परिवर्तन आ गया, किस आधार पर इन्होंने 72,000 को 1,46,000 रुपए में कन्वर्ट कर दिया। उनका इन्होंने जो मेरे ऊपर विद्युत चोरी का प्रकरण दर्ज किया है, 26/4/2018 का प्रकरण दर्ज किया है, वो कनेक्शन मैंने 2017 मिल गया था और कनेक्शन कटवाए हुए मेरे को लगभग 2 साल हो गए। मतलब आज मैं जब आम आदमी पार्टी में कार्य करने लगा हूँ, आम आदमी पार्टी में साधारण कार्यकर्ता की कार्य कर रहा हूँ, तो ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। छोटे छोटे कार्यकर्ता जब इतनी मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं, जिस दिन माननीय अरविंद केजरीवाल जी इस धरती पर कदम रखेंगे यहाँ पे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है, और उससे डर करके वो छोटे कार्यकर्ताओं पे, मुझ जैसे कार्यकर्ताओं के ऊपर बिजली विभाग छोटे छोटे विभाग के द्वारा नोटिस निकालने का काम किया जा रहा है। और वार्ता इसकी आयोजित की गई है सीमा के अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के सक्रिय होने से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और वो मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर भी षड्यंत्र के तहत दबाव डालकर हम लोग को रोकना चाहती है। उसका उदाहरण है MPB के द्वारा भेजी गई है नोटिस। सबसे पहले तो मैं आपको अपना नाम बता दूं, मेरा नाम रंजन गुप्ता है और मैंने 2017 में कनेक्शन किया। वो कनेक्शन लगभग 2 साल पहले कनेक्शन को मैंने HD यानी कनेक्शन कटवा दिया। 26/4/2018 के लिए ये आज मेरे को 1.5 महीने पहले लगभग नोटिस भेज रहे हैं कि आपके ऊपर 72,696 रुपए की रिकवरी निकाली जा रही है। 72,696 रुपए की रिकवरी मात्र 15 दिनों के अंदर लगभग 1,46,626 रुपए की कर दी जाती है। आज हम लोग को इस तरह से रोकने का भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। हम आपको ये सिर्फ इस लाइट के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, हम तो पार्टी के बहुत छोटे से साधारण से कार्यकर्ता हैं और हम लोग को रोकने के लिए, हम लोग की आवाज को दबाने के लिए आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ना तो झुकेगा ना दबेगा। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।